लोकसभा सांसदों के निलंबन पर शीत सत्र के आखिरी दिन विपक्ष ने भारी मात्रा में सरकार को घेरना जारी किया है। इसी बीच अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने पोडियम पर पत्रकारों से बात करते हुए इस कार्यवाही को असंवैधानिक बताते हुए प्रजातंत्र की हत्या कहा, जहां उन्होंने बताया कि विधानसभा में भी विपक्ष के विधायकों को विकास निधि नहीं दिया गया है। पार्लियामेंट में अपोजिशन के सभी सांसदों को निलंबित करने का पाप केंद्र के नरेंद्र मोदी के बीजेपी के सरकार ने किया है। संसद अपने बात रखने के लिए वो अपने चेयर पे खड़े हो सकते हैं, लेकिन जो अपने जगह पे खड़े होने के बाद भी जिस तरह से केंद्र की सरकार ने अपोजिशन के सांसदों को निलंबित किया, उसी तरह महाराष्ट्र के विधानसभा में भी आपने देखा होगा कि अपोजिशन के विधायकों को उसके मतदार संघ के विकास के लिए निधि पैसा नहीं देना, सिर्फ सत्ता पक्ष के ही विधायकों को पैसे देना, बजट प्रोविजन देना इस तरह से एक तरफा राज चलाने का जो काम बीजेपी कर रही है, उससे लोकतांत्रिक व्यवस्था को खतरा पैदा हो चुका है। और इसलिए इस बीजेपी की मानसिकता का हम लोग विरोध करते हैं। देश में भी जनता इनका विरोध करना शुरू हो चुका है।